नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हरिश्चंद क्लास में। दोस्तों आज मैं आपको एडवांस मैथ की अगली क्लास में आपको कराने जा रहा हूँ। मैंने दो क्लासेस बना दी हैं जिसमें मैंने एंगल्स और सिमिलरिटी को समझाया है और उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उन्हें पढ़ सकते हैं। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ आपको ट्राइंगल्स और ट्राइंगल्स के कुछ रूल्स आपको समझाने वाला हूँ जिनके बेस पर SSC ने प्री में भी क्वेश्चन पूछा है और 2013, 2014 और 2015 में मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों देखते हैं उन टाइप्स को, ट्राइंगल्स को, कि क्या थ्योरम है और किस प्रकार से आपको उनको करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। तो देखिए दोस्तों, जब मैं बात करता हूँ कि थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको कि किसी भी त्रिभुज की, जैसे मैंने आपके लिए एक त्रिभुज बनाया यहाँ पे, इसी के अकॉर्डिंग समझते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते जाइएगा। किसी भी त्रिभुज की, ठीक है, पर कोई केंद्रक है, ठीक है, कोई केंद्रक है, यहाँ पर कोई केंद्रक है जी, ठीक है, तो जितनी भी इसकी मध्यिकाएं होंगी ये केंद्रक उनको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे विभाजित करेगा दोस्तों? 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। कैसे? देखिए, ये त्रिभुज था आपका ABC, ये मध्यिका आपकी D, ये मध्यिका आपकी F और ये मध्यिका आपकी A, ठीक है। इनको क्या करेगा, ये जो प्रतिच्छेदक बिंदु है जो G है वो क्या करेगा, इनको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये 2 है इसका तो ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, ये 2 है तो ये 1 होगा, ठीक है। 2:1 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा। वो किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं कि हमारा AG और GD क्या होगा, AG रेशियो GD क्या होगा, 2:1 के रेशियो में होगा, ठीक है। हमारा BG और GF, BG और GF ये 2:1 के रेशियो में होगा, टोटल मिला के 3 होता है, ठीक है, टोटल मिला के कितना होता है, 3 होता है। CG और GE, CG और GE ये होगा 2:1 के अनुपात में, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब मैं मैथ आपको करा रहा हूँ एडवांस, तो जो मैं पैटर्न आपको बताऊँगा या जो थ्योरम्स मैं आपको समझाऊँगा एडवांस मैथ की, उसके साथ साथ ही उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको कराता जाऊँगा। तो ये मैंने आपको थ्योरम समझाई है और इसी थ्योरम से रिलेटेड मैं अब आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, आप उसको कैसे सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे ये मैं आपको अब बताता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं, वो क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ जो कि 2013 में CGL टाइप 2 में पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन है कि जी समभुज ABC का केंद्रक है, जी केंद्रक है, ठीक है। यदि AB 10 सेंटीमीटर है, कौन सा आपका AB, जो A और B है जो आपका, वो कितना है माई फ्रेंड, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। समभुज की बात कर रहा है तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, मतलब समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। समभुज की सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, ठीक है। और AG की लंबाई कितनी होगी आपसे पूछा है, आपसे पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जो AG की जो लंबाई है वो कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, देखिए समझते हैं इसको। जब हम केवल इस वाले हिस्से को निकालेंगे, ये वाली लाइन जो निकालेंगे, ठीक है, जब हम केवल ऊंचाई की बात करेंगे, तो दोस्तों आप शुरुआत से जानते हो कि ट्राइंगल की जब ऊंचाई निकालते हैं तो जो ऊंचाई होती है वो होती है आपकी, यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऊंचाई जो होती है, यहीं से समझा देता हूँ आपको, ऊंचाई जो होती है दोस्तों वो होती है आपकी √3/2 × साइड, मतलब भुजा कितनी दी हुई है, 10, ठीक है। तो जो ऊंचाई जो आएगी निकल के, मतलब ऊंचाई मतलब ये AD, ऊंचाई क्या दोस्तों, AD जो निकल के आएगा वो आपका आएगा दोस्तों 5√3 आएगा, 5√ कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। लेकिन आपसे AD नहीं पूछा था, आपसे उसने AD नहीं पूछा था, आपसे पूछा क्या है उसने पूछा है आपसे कि आपको AG बताना है, ठीक है। देखिए ये जो पूरा हिस्सा है AD वो आपका 5√3 आया और हमें पूछा क्या है, ओनली AG पूछा है। तो ये 2:1 के रेशियो में है, टोटल कितना है, ये 3 है, टोटल कितना है, सॉरी 3 होता है रेशियो, कितना होता है, 3 होता है। तो जो टोटल 3 है तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है, अब ओनली हमको फाइंड करना है AG, क्या फाइंड करना है, AG फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 5√3 ×
कौन सा निकलना है, ए जी। ए जी कितना होता है, दो। कितना होता है रेशियो, दो होता है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको नीचे क्या करना है, पूरा डिवाइड देना है इसका। इसका पूरे का रेशियो कितना था, तीन था, ये तो आप जानते हो। पूरा रेशियो कितना था, तीन था, दो और एक कितना था, तीन था। कितना था, तीन था, ठीक है। दूसरा हिस्सा पूछा है तीन में से, ये तो आप मैथमेटिक्स अगर अर्थमेटिक करें तो जानते होंगे बेसिक सी चीज़ें। तो ये हो जाएगा आपका टेन रूट थ्री अपॉन थ्री, ठीक है। ऑप्शन आप चेक कर लें, ऑप्शन नंबर कौन सा है, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर टेन रूट थ्री बाई थ्री, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरी थ्योरम जो कि आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट है और शायद इस बार मेंस में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्योंकि प्री में तो क्वेश्चन पूछा ही गया है और शायद मेंस में भी पूछ ले। ये मैं एक्सपेक्टेड कह रहा हूँ आपसे, ये नहीं कह रहा कि गारंटी के साथ पूछेगा, लेकिन एक्सपेक्टेड है पूछेगा, ठीक है। अगली जो थ्योरम है वो है आपकी कि किसी भी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ठीक है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई एक रेखा, ठीक है। मतलब ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ठीक है, इसकी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के समांतर खींची गई ये रेखा, ठीक है। ये रेखा आपकी डी ई हो सकती है, पी क्यू हो सकती है, ए आर एस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या करेगी कि बाकी की जो दो रेखाएं होंगी ए बी और ए सी, उनको बराबर अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी, ठीक है। इसका जो रूल्स बनता है वो आपको थोड़ा समझना काफ़ी ज़रूरी है। रूल्स है आपका वो कि आपको इसमें निम्न थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ जो ए बी अगर हम लेते हैं तो इस साइड में हमको ए बी लेना होगा, ए सी लेना होगा, ठीक है। तो पहले हम दो दो टुकड़ों को लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक कंडीशन दिखाई दे रही होगी। वो कंडीशन क्या है दोस्तों, कि इसमें दो ट्राइंगल हो गए, एक ये वाला और एक पूरा वाला, दो ट्राइंगल, और एक चतुर्भुज की आकृति आपको बननी दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आपसे एरिया भी पूछ सकता है, क्योंकि प्री में पूछा गया है कि इस वाले हिस्से का एरिया आपसे पूछा है, तो आपको वो भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक सी चीज़ें हैं, पहले हम इसके रूल्स को समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो अब हम अगर इस वाले हिस्से को इस वाले रेशियो के बराबर बांटेंगे, इस वाले को इस वाले के रेशियो के बराबर बांटेंगे, कैसे, इसे मैंने लिखा ए डी, ठीक है, ए डी, फिर ये वाला हिस्सा लिखा बी डी, ठीक है। इक्वल मैं किसके लिखूंगा, ए ई, ठीक है, और मैं लिखूंगा ई सी, ठीक है। अब मैं अगर इस वाले को पूरे को लेता ए बी, ठीक है, फिर इसके साथ इस आधे को ले लेता ए डी, ठीक है, उसी के साथ मैं लेता ए सी, फिर मैं इस आधे को ले लेता ए, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैंने ये वाला पहले ये लिया है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में मैंने क्या लिया है, ये वाला पूरा हिस्सा और ये आधा, ये वाला पूरा और ये आधा, ठीक है। ये आपको बेसिक चीज़ याद रखी है, इससे क्वेश्चन पूछा गया, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसको पूरा लेता हूँ दोबारा से ए बी, ठीक है, तो मुझे यहाँ बी डी लेना पड़ेगा, कितना, बी डी, ठीक है। इक्वल हो जाएगा ए सी अपॉन हो जाएगा ए सी, ठीक है। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, पहली में दोनों हाफ जो आती हैं वो इसी में ए बी में आगे आके जुड़ जाती हैं, यहाँ ए डी और यहाँ बी डी, यहाँ ए ई और यहाँ ए सी, ठीक है। ये आपको बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है, एक तो ये रूल्स होता है। दूसरा अगर हम इसकी बात करते हैं तो इससे एरिया का रूल्स बनता है, किसका, एरिया का, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, एरिया को आपको किस प्रकार से देखना है। देखिए जब बात आती है किसकी, एरिया की, तो हम केवल दो ट्राइंगल्स के एरिया को देखेंगे फिलहाल में, ठीक है। कैसे कि अगर हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है, और इस पूरे एरिया, इसका जो एरिया है, अगर इसमें से मैं ये वाला, इस वाले का एरिया मैं निकाल दूं, तो ये वाला एरिया बचेगा, ये आप जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इसमें मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल ए बी सी एरिया, ठीक है, ए बी सी एरिया, और मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए डी ई एरिया। इनसे बेसिक से क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, इनसे रिलेटेड आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कराना आवश्यक नहीं होता है एडवांस में, लेकिन अगर आप पैटर्न समझ लेते हैं तो आप खुद कर पाएंगे क्वेश्चन। आपके पास कोई सी बुक हो, आप कोई सी पढ़ रहे हो, उसे
उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको समझे हैं या फिर किस प्रकार के तरीके से आपके दिमाग में वो बैठी हुई है बात और किस प्रकार से आप उसको क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद जब बात आती है तो हमने जब ली एक साइड तो हम इसके एक साइड ये ले सकते पूरे के, ए बी सी लिया तो ए बी, ठीक है, या फिर ये लिया है तो ए डी, ठीक है, या फिर हम इधर वाली साइड ले सकते हैं ए सी, या फिर ए सी के साथ ए ही ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम कौन सी लेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है हम कौन सी साइड हमको दी हुई है या कौन सी साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इस वाले बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप 16 शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आपको दो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और इससे रिलेटेड होगा एक, इससे रिलेटेड होगा, दोनों आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब मैं बात करता हूँ, सीधा क्वेश्चन की तरफ जाऊँगा और मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, मैं केवल इसी को इनको मिटा देता हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ही मुझे क्या कराना है, क्वेश्चन कराना है, तो मैं बार बार पे चित्र बनाऊँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन बेसिक सा है, ठीक है, क्वेश्चन पहले एरिया से रिलेटेड आपको बताता हूँ। एरिया से है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी तथा बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल है, पैरेलल का चिन्ह होता है ये आपको दिख रहा है जो ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो ए सी के पैरेलल है डी ई, तो ए सी और डी ई पैरेलल बना लीजिए, पहले यहाँ ए सी और डी ई पैरेलल बना लीजिए, ठीक है। तो ए बी सी, बी यहाँ हो जाएगा आपका, जरूरी नहीं है कि आपका ए बी सी इसी प्रकार से दिया, उसने जो कहा है मैं उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा, ठीक है। ये जो कह रहा है वो आगे ये कह रहा है कि यहाँ जो ए डी और बी डी का जो रेशियो है वो 3:2 है, ए डी और बी डी का जो रेशियो है, ए डी जो बी डी का, ए डी और बी डी का जो रेशियो है वो 3:2 है, 3:2 कितना है, 2 है, मतलब ए डी और बी डी कितना है, 3:2 है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद समलंब ए सी ई डी, ए सी ई डी के क्षेत्रफलों और बी ई डी और बी ई डी के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें बताना, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जो मैंने आपको अभी पैटर्न बताया आपको उसी से सॉल्व करना है, ठीक है, मैं चीज़ें चेंज नहीं करता हूँ। देखिए अब बात कर रहे हैं किसकी, तो मैंने आपको बताया था मुझे इसका एरिया बताना, ठीक है, तो पहले मुझे इसका एरिया पता होगा और इसका है, तो इस पूरे में से जब मैं इस हिस्से को निकाल दूंगा इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है, तो अनुपात ही बताना। तो मैं क्या करूँगा, पहले एरिया निकालूंगा ए बी सी का, किसकी बात करूँगा, ए बी सी एरिया, ठीक है, और उसी के साथ दूसरी बात करूँगा बी ई डी के एरिया की, बी ई डी के एरिया की, ठीक है। ये जो एरिया हो जाएगा वो किसके अनुसार होगा, आपका एक साइड जो दी हुई है ए बी, ए बी कितनी दी हुई है, ए बी में ए बी, तो ए बी का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसमें क्या दी है आपकी, ए डी, सॉरी बी डी, बी डी दी है, तो आप बी डी ये साइड ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या है ए बी पूरा लेना है, यहाँ जो इसका जो एरिया आएगा ट्राइंगल ए बी सी का, और यहाँ आएगा बी ई डी का या बी डी ई का, ठीक है, ए बी, ए बी यहाँ से यहाँ तक पूरा है, आप ये आधा ना लें, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो एरिया केवल 2 है, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, इसकी जो भुजाएँ, तो इसका जो एरिया आएगा वो 25 आएगा और इसका जो एरिया आएगा वो 4 है, ठीक है। ये दोनों के एरिया का रेशियो हो जाएगा, किसका, इस वाले हिस्से का और इस वाले पूरे ट्रायंगल का। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा उसने कि बी ई डी का रेशियो और किसका, बी ए बी, सॉरी ए सी ई डी का, तो ए सी ई डी का आपसे पूछा है। अब देखिए ए सी ई डी का आप कैसे निकालेंगे, एक तो इसका पूछा, एक आपसे पूछा बी ई डी का, ठीक है, तो बी ई डी का तो ऑलरेडी हमारा आया हुआ है, कितना है, 4 आया हुआ है, ठीक है। हमें किसका निकालना है, हमें ए सी ई डी का निकालना है। मैंने कहा था ए बी सी, ध्यान से समझ जाइए, इस पूरे में से अगर मैं इस हिस्से को निकाल दूँ तो इसका रेशियो आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा ना, ठीक है।
तो इसका पूरे का एरिया कितना था 25, और इस वाले का कितना है 4, तो 25 में 4 निकाल दूँ कितना बचेगा 21, तो इसका जो आंसर होगा वो 21:4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपको 15:4 दे रखा है, एक 4:15 दे रखा है, एक 4:21 दे रखा है, एक 21:4 दे रखा है, तो 21:4 इसका क्या होगा आंसर होगा। जिसके अकॉर्डिंग हमसे पूछता है हमें उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। ठीक है, और इसी थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो आप जिससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जो भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा AB और AC पर क्रमशः P और Q पर मिलती हैं। AP और QC बराबर हैं। AB की लंबाई 12 यूनिट है और AQ की लंबाई 2 यूनिट है, तो CQ की लंबाई बताइए। देखिए इसमें कह रहा है कि एक ट्राइंगल है इसी टाइप का। देखिए जब इससे रिलेटेड करा रहा हूँ तो इसी थ्योरम से बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, इस पर इन्होंने PQ डाला। मैंने कहा था आपको DE दे दे और कुछ दे दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा है कि AP और QC मतलब AP और QC इक्वल है, तो हम इसको X मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों इक्वल हैं भाई, कुछ भी ले सकते हैं, L ले लो। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग। उसके बाद इसने कहा है कि AB की जो लंबाई है वो 12 यूनिट है। ठीक है, AB की जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 12 यूनिट है। ठीक है, 12 यूनिट है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि AQ की जो लंबाई है वो 2 यूनिट है, AQ की लंबाई है जो 2 यूनिट है यहाँ से यहाँ तक। और आपसे पूछा है QC पूछा है। देखिए अगर हमारे AP आ गया तो QC भी आ जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें कोई घबराने की बात ही नहीं है क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको थ्योरम बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि आपको ये पूरा हिस्सा दे रखा है और हमें ये वाला हिस्सा निकालना है, ये वाला भी दे रखा है इसके साथ, तो हम इसके साथ इस वाले को ले सकते हैं क्योंकि इसे लेंगे ये आ जाएगा तो आपका ये भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको AB यहाँ लेंगे, AB अपॉन AP, इसके अकॉर्डिंग इसी के अनुसार लेंगे AC, ठीक है, अपॉन AQ। देखिए AB अपॉन AP, AC अपॉन AQ। ठीक है, ये हमने लिया। अब हमको पता था कि जो AB है वो ऑलरेडी 12 दिया हुआ है, ठीक है, और जो AP है वो आपका X दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो AC है वो आपका 2 दिया है, ठीक है, AC 2 प्लस X दिया है। ठीक है, और यहाँ जो AQ है वो ओनली 2 दिया है। ठीक है, इसको बेसिक से आप समझ सकते हैं, ये सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पूरा है तो पूरा मैंने X+2 लिखा है यहाँ पे, या 2 प्लस X बात है कि इसका मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये 24 बराबर 2X+X² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक टाइप की कि X² प्लस का 2X माइनस का 24 = 0, ये हो जाएगा। इन चीज़ों को आप बेसिक से तरीके से करना जानते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 24 और ऐड या अगर माइनस करें तो 2 आए, तो फैक्टर हम करेंगे तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 6 और कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, 6×6=24, 6 में से 4 गए तो 2। इसके बाद जो माइनस का आएगा 6, तो इसमें माइनस का आएगा, ये आप जानते करना, और 4 आएगा वो प्लस का आएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 4। तो ये जो आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है, सॉरी ये जो आ गया आपका यहाँ 4 आ गया। ठीक है, ये 4 आ गया तो आपको पता है ये भी 4 आ गया, तो दोनों इक्वल थे तो ये भी कितना आ गया आपका 4 आ गया। ठीक है, आप कोई सा भी बेसिक सा इसमें से कोई सी चीज़ उठा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा लेंथी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, आगे मैं ट्रायंगल्स की थ्योरम और कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इतना ही लंबा मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, और इसी वजह से मैं थोड़ा टुकड़ों में बना रहा हूँ, लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, मैं एडवांस मैथ का एलजेब्रा आपको ऐसा कराऊंगा कि आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। बेसिक के कॉन्सेप्ट के साथ बहुत से लोग एज्यूम करके कराते हैं, कुछ लोग किसी तरीके से कराते हैं, मैं भी आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा, एलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्री मैच, चाहे मेंस मैच, चाहे 10+2 मैच, चाहे रेलवे मैच, आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।